थिंग, मार्केट गए, 2 मिनट में मुझे दुकान से आना है, गाड़ी पार्क कर दे, किसी और की गाड़ी का ब्लॉक कर दे। होता है कभी कभी, ऐसा नहीं होता, अपने आप को कहते 2 मिनट में, 2 मिनट में। अगर वो 2 मिनट में वो वाले लोग वापस आ गए ना, आपको आइडिया नहीं 2 मिनट में वो कैसे कैसे बॉल भेजते गए आपको। दिस इज कार्मिक अकाउंट। मेरा एक कर्म अगर किसी और के मन को अशांत करता है, वो सारी अशांति की वाइब्रेशन, और अगर मेरा एक कर्म किसी के मन को शांत करता है, किसी के मन को सुख देता है, तो कितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, करेंगे नहीं इकट्ठे करेंगे। जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, सब कमा सकते हैं, कमा रहे हैं और भी कमाएंगे, लेकिन धन कमाने के साथ साथ दुआएं कमानी हैं, ब्लेसिंग्स कमानी हैं, क्योंकि धन हमारे घर में सिर्फ चीज़ें लेकर आएगा, लेकिन ब्लेसिंग्स हमारे घर में, ब्लेसिंग्स हमारे घर में खुशी, सुख, प्यार लेकर आएगा। तो कभी भी कारोबार करते समय, कभी भी थोड़ा भी किसी को चीट, थोड़ा भी किसी को एक्सप्लॉइट, तो वो धन जो कमाया, वो धन अपने साथ किसी का दर्द लेकर आया। आपको एक दुकानदार अगर सब्जी फ्रूट के लिफाफे में एक सड़ा हुआ फ्रूट भी दे देता है ना, होता है ना कभी कभी, चार अच्छे हैं ऊपर नीचे एक, पता है आपको, जान पूछ के उसने रख दिया, घर आकर उसको कैसे कैसे बॉल्स भेजते, भेजते या नहीं भेजते। एक एप्पल के लिए भी हम किसी को कौन सी एनर्जी दे देते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। और यही अगर हमें कोई फ्रूट वाला कहे नहीं आज फ्रेश नहीं है, आप मेरे से नहीं लो, तो हम उसको कौन सी एनर्जी देते हैं, क्योंकि उसने अपने फायदे से पहले हमारा फायदा सोचा। दिस शुड बी द रूल ऑफ बिजनेस, अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचो। अपना फायदा तो सब कर सकते हैं, लेकिन अपने फायदे से पहले अगर सामने वाले का फायदा सोचा, तो धन तो कमाया ही कमाया, लेकिन साथ में क्या कमाएंगे। क्या ऐसे दुकानदार कभी मिलता है आपको जो कहते हैं आज मेरे से नहीं लो, ब्रेड फ्रेश नहीं है, फ्रूट फ्रेश नहीं है, ऐसे मिलते हैं कभी कभी, मिलते हैं ना कभी कभी, ऑफ कोर्स मिलते हैं। घर जाने के बाद हम उनको कैसी एनर्जी देते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं उनके लिए, और फिर हम वो बात सिर्फ अपने तक नहीं रखते, चार पांच लोगों को बताते ना, आज पता क्या हुआ, आज पता क्या हुआ, बताओ दुकानदार कितनी कमाल का है। वो चार पांच लोग भी फिर उसके बारे में कैसा सोचेंगे। उस दिन उस दुकानदार ने पैसे नहीं कमाए, उस दिन उसका नुकसान हुआ पैसों के मामले में, लेकिन उस दिन उस दुकानदार ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स कमाई। उस दिन के बाद हम किस दुकान पर जाएंगे, हमेशा हम हमेशा, और वो पांच लोग, और वो पांच लोग जितने लोगों को बोलेंगे, वो सारे उस दुकानदार के पास जाएंगे। जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से कई 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 गुणा धन कमाएंगे। ये 100% गारंटी है, ये 100% गारंटी है, ये करके देखना है। हर टाइम अपने फायदे का सोचते सोचते हम ऐसे हो गए हैं अंदर टाइट, और फिर कई बार अपने फायदे के लिए दूसरे